28 साल से ऐसी जगह रह रहा है ये 79 वर्षीय वृद्ध, जानकर सन रह जाएंगे आप। हर किसी को साथ पसंद होता है, मगर एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर किसी से दूर कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता है, मगर शायद कुछ ही वक्त के लिए, क्योंकि फिर वो अकेलापन आपको खटकने लगता है, आप खुश नहीं रह पाते हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो 28 साल दुनिया से अलग रहता है, यानी हर किसी से दूर। तो चलिए जानते हैं कौन है ये शख्स और कैसी है इनकी जिंदगी। शायद आपको हैरानी हो, एक वृद्ध शख्स आइसलैंड में अकेला रह रहा है, जिनका नाम माउरो है और उम्र 79 साल। पिछले 28 सालों से वो पूरी दुनिया से अलग रह रहे हैं, मगर उनका मानना है कि वो बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा खुश हैं। आइसलैंड में अकेले रहना का मतलब है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, न तो संचार का कोई माध्यम होगा, न ही घर का खाना, न ही मदद करने के लिए कोई आसपास होगा और न ही मनोरंजन की कोई सुविधा। मगर इन सब के बावजूद माउरो 1989 से अकेले जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। क्यों अलग रहते हैं माउरो? चलिए आपको बताते हैं कि हर किसी से दूर वो किस तरह से 28 सालों से अपना जीवन बिता रहे हैं। अपनी कहानी बताते हुए माउरो बताते हैं कि समाज की आधुनिक जीवन शैली से निराश होकर वो यहाँ रहने लगे थे। उन्होंने बहुत पहले ही सबसे दूरराजी सैंडी बीच, जिसे लास पेगुएरोस भी कहते हैं, पर बसने का फैसला किया था। कैसी है जीवन शैली? माउरो आगे बताते हैं कि उनके हर दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होती है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ वो सुबह की शुरुआत करते हैं। समुद्र की बहती हुई लहरें, सूर्य की लाल किरणें उनकी जिदंगी और उनके दिन को और ज्यादा खुशनुमा बना देती हैं। सोशल मीडिया पर साझा की कहानी, हालांकि वो पिछले 28 साल से अकेले रहे हैं और बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, मगर पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी जिदंगी के बारे में बताना शुरू किया। सोशल मीडिया पर वो खुद से जुड़े किस्से और अपनी सुनहरी लाइफ शेयर करते हैं। अकेली जिंदगी में मिली एक पार्टनर माउरो के बारे में बताया जाता है कि इस अकेलेपन में उनकी इन 28 सालों में एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो 15 दिन के लिए उनके पास रहने आती थी, मगर अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इसके अलावा वो अब तक आइसलैंड की 1300 पर्यटक जगहों का दौरा भी कर चुके हैं। बड़े शहर में नहीं चाहते लौटना, अंग्रेजी साइट डेली मेल से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगर मुझे कभी जाना पड़ा तो शायद मैं सार्डिनिया जाऊंगा और वहीं समुद्र किनारे रहना पसंद करूंगा, लेकिन अब मैं बड़े शहर की ओर वापस नहीं जाऊंगा। उन्हें मानना है कि दुनिया में सब स्वार्थी हैं, इसीलिए उन्हें अकेले रहना पसंद है। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आई तो इस पोस्ट को शेयर जरूर करें और देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे नमन भारत के फेसबुक पेज को लाइक करें।